मालिकी प्यारे सत्संग जी जो भी सत्संग आश्रम में चल के आई है आप सबका यहाँ पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आयनुक शांति के थे मोस्ट वेलकम। कलयुग में मृत संजीवनी अगर कुछ है तो वो है राम का नाम। इंसान माली का नाम जपता रहे लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए तो उसके अंत्यकरण की सफाई होती रहती, उसके अंत्यकरण में आत्मबल आता रहता है और अंदर की शक्ति हासिल करके वो इंसान दुनियादारी में रूहानियत में तरक्की करते चले जाते हैं। राम का नाम लेने से पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। राम का नाम लेने से गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और माली का नाम लेने से इंसान की सोच में जो विचार चलते हैं उनका खास करके नेगेटिव थॉट्स उनका फल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए माली का नाम जपो, एक समय निश्चित करो कि हां इस समय मैं माली का नाम जपूंगा, माली की भक्ति करूंगा। तो वो भक्ति वो माली का लिया गया नाम आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा देगा। हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा है जो बीमार भयानक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनके अंदर भावना आ जाती है कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मालिक के आश्रय हैं, हमारे बस में नहीं है। दूसरे शब्दों में डॉक्टर जिन्हें जवाब दे देते हैं, हमने ये देखा है राम नाम का जाप करते हुए सेवा स्मरण करते हुए वो लोग बीमारी को हरा के जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं और वही डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं दंग रह जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जिनकी जिंदगी कुछ महीने कुछ दिन की होती है कैसे वो सालों साल तंदुरुस्ती से जीते रहते हैं। तो ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है कि राम का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी से भर देता है। इसलिए राम का नाम लेते रहना चाहिए और राम नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बाद की बात ना सोचें। आपको कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय भगवान को दे दिया, बाकी किसको उलाहना दोगे, बाकी किसके लिए टाइम दिया, वही औलाद एक दिन छोड़ देती है, बड़ा दर्द होता है। जिनको सींच के बड़ा करते हो आप और जब आपके सामने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, लेकिन जब हो जाता है तो इंसान सोचता है ये क्या हो गया। तो वो जो समय आपने उन पे लगाया था तो उसका नतीजा यह निकला। अगर वही समय आप राम नाम में लगाएं, वही समय प्रभु भक्ति में लगाएं, सतगुरु अल्लाह राम के प्यार में लगाएं, वो समय बेशकीमती हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर से ईश्वर को मांगते रहो, भले कर्म करते रहो, यकीनन
उस मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। जब सब उक्तियां युक्तियां हार जाती हैं, जब इंसान का माइंड टोटली जवाब दे जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मुझसे ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है, उस समय ईश्वर का अगर नाम लिया जाए तो असंभव को संभव ईश्वर का नाम पल में बना देता है। कल्पना से परे की बातें जो होती हैं ईश्वर के नाम से वो ठीक हो जाती हैं। जो कभी सोचा नहीं होता वो इंसान को खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये कहावत है, वो भगवान वो राम जिसे अपनी खुशियों से अपनी भक्ति से नवाजता है तो उससे पहले अजमाता जरूर है। अजमाने में जो फेल हो जाते हैं वो उस परम पद को हासिल नहीं कर पाते, उन्हें अंदर बाहर नजारे एक जैसे नजर नहीं आते। और जो इसमें सफल हो जाते हैं वो अंदर बाहर माला माल हुए रहते हैं। संत पीर फकीर वचन करते हैं कि भाई ये बात को मान लो, ये आपकी जिंदगी की काम आने वाली चीजें हैं, ऐसा करने से आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर पाएंगे। आप राम नाम का जाप करते हुए समाज का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहां से आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद तक नहीं करता। तो जिंदगी मिली है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर कोई याद रखे। तो इसलिए बहुत जरूरी है राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उस भक्ति से आपको तो खुशियां मिले ही मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो सके। कितना आसान सा कार्य है सुमरण करना, निंदा चुगली करने में भी जोर लगता है क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, आप जोर लगा लगा के बात करते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो, क्योंकि धीमे आवाज में चुगली करेगी तो मजा नहीं आता ना लोगों को। प्रेशर पाके जब चुगली करते तो पता चलता कि अच्छा दावे से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, तो आदमी को लगता है यार ये सही कह रहा होगा। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं, जुबान चलाओ चाहे ना चलाओ, विचारों से करते रहो, बल्कि जैसे जैसे राम का नाम जपते जाओगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के अधिकारी बनते जाओगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचते नहीं, जो उन्हें भी बुरा कहते हैं संत पीर फकीर उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से दुआएं मांगते रहते हैं, सबका भला करते हैं, सबको खुशी देने के लिए हर अच्छा कर्म करते चले जाते हैं। और इंसान जो सच्चे दिल से जो भावना से मान लेते हैं उन्हें तमाम खुशियां जरूर हासिल होती हैं। जितनी श्रद्धा होगी जितना दृढ़ यकीन होगा उतने ही नजारे ईश्वर के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो। जो जो मालिक का नाम जपते जाओगे त्यों त्यों आपकी भावना आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक आप बनते जाएंगे। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपते हुए समाज का भला करना सीखें। ज्यों ज्यों समाज का भला आप करते जाएंगे प्रभु की सृष्टि का भला होगा और जिसकी औलाद का भला होगा वो परम पिता परमात्मा आपका भला 100% जरूर करेंगे। तो सबका भला मांगो, सबका भला करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग खुद गर्ज हो गए हैं,
अपने अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं, अपने अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, मन और मनमते लोगों की बातें भाती हैं, लेकिन गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसे होता है कि यार पीर फकीर तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पीर फकीर सच्ची बात कहते हैं, पीर फकीर सच के राह पे चलाते हैं, उनका अपना कोई खुदगर्जी या मकसद नहीं होता, उनका एक ही मकसद होता है कि ईश्वर की रियाय, ईश्वर की प्रजा का भला हो। ईश्वर ने जो सृष्टि बना दी है उसके भले के लिए संत पीर फकीर ऐसे आते हैं जैसे बाग में माली जाता है या कोई एग्रीकल्चर का डॉक्टर जाता है, क्योंकि जैसे ही वो बाग में जाएगा उसको पता चल जाता है इस पौधे को ये बीमारी हुई पड़ी है, ये टहनियां सूख गई, अगर ना काटी तो और सूख जाएंगी। उसी तरह संत पीर फकीर माली की बनाई दुनिया में आते हैं और वो निगाह मारते हैं, उन्हें नजर आता है कि हाँ यहां तो लोग बहुत तरह से बीमार हैं, कामवासना के, क्रोध के, लोभ मोह अहंकार और मन माया के, पूरी तरह से बीमार हैं ये लोग, और इनकी एकमात्र दवाई ईश्वर का नाम है। जब तक ये वो दवा नहीं लेंगे, जब तक ये वो दवा रेगुलर नहीं खाएंगे, तो इनके ऊपर इन बीमारियों का साया हटेगा नहीं, और जब तक ये बीमारियां हटेंगी नहीं, अंदर का नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। आप 5 मिनट एकांत में बैठो, ईश्वर के नाम का सुमरण करो, आपको पता चलेगा आप में कौन सी कमियां हैं और कौन से गुण हैं। 100% पता चलेगा। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो और जो गुण है उन पे अहंकार ना करो। कमी इंसान में खुद में होती है और निकालता भगवान में, पीर फकीर में, सदगुरु में है। अपनी कमी इंसान को नजर नहीं आती। क्या आपने कभी किसी को शरेआम कहते देखा, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे में ये कमियां हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान ईगो से भरा हुआ है। गलती करके भी लोग नहीं मानते, बड़ों की छोड़ो, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा 4-5 साल के, 3 साल के, उन्हें सॉरी कहलवाने के लिए माँ बाप को पसीना आ जाता है कि बेटा बोल दे सॉरी, नहीं बोलते, इतनी अकड़, इतनी ईगो इंसान के अंदर क्यों आती है? ये माँ बाप की कमी की वजह से होता है। माँ बाप अगर शुरू से बच्चे को सिखाएं कि गलती को गलती मानो, यानी गलत को गलत और सही को सही, ये पहचान होनी चाहिए। कई बार आप लाड़ प्यार में आके अपने बच्चों को सही गलत का अंतर करवाना भूल जाती हो और बड़े होने पे उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाँ ही हाँ देखी होती है, वो कभी ना करना जानते नहीं होते, उन्होंने प्यार ही प्यार देखा होता है, उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग गलती भी करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका बच्चा गलत काम करता है, गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो, क्योंकि आज छोटी गलत जिद पूरी करते हो, बड़े होके कोई गलत जिद करेगा जो पूरी नहीं कर पाओगे और आपके रिश्ते तार तार हो जाएंगे। इसलिए जायज जो बच्चों की बात है उसको मानना चाहिए और जो नाजायज बात है बच्चों को मनवाना चाहिए कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ताकि बच्चा सही और गलत की पहचान बचपन से ही लेके बड़ा हो, उसे समझो कि ये गलत होता है और ये सही होता है, हद से ज्यादा कुछ भी सही नहीं होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें, ईश्वर का नाम जपें, और काम धंधा करते हुए भी अगर सुमरण करते हैं तो मालिक
बिगड़े हुए काम बना देते हैं। तो प्यारी सत्संगत जियो, सत्संगत में अगर कोई राम नाम का पुजारी आया है, राम नाम लेने के लिए यहां बैठा है, तो वो अभी सचखंड हॉल में आपके सामने जल्दी से जल्दी चला जाए, वहीं पे अभी राम का नाम दिया जाएगा जी। जिसके लिए ना धर्म छोड़ना है, ना पैसा देना है, ना कपड़ों का रंग बदलना है, ना कोई नोट बोर्ड का चक्कर है, जल्दी से सचखंड हॉल आपके सामने है, उसमें चले जाइए। शादी वाले दो परिवार आए हैं, दोनों परिवारों ने दीन दुखी मद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है, आशीर्वाद। एक शादी रूबरू कार्यक्रम के तहत तय हुई, आ जाए जी। वो शासन जी की प्रथम तीन भाई बहने हैं, खड़े हो जाए। इंसान है कि सेवा महाभियान के फॉर्म वाले छह हैं, खड़े हो जाए। धन्य माओ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवाएं धन्य कुल हो जाती है, जो सेवा करके उठवाते हैं जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते हैं। बाहर से फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज सात संगति की तरफ से फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेनी पड़े आधा घंटा सुमरण करना है। कैंसर ला इलाज भाई दिन रात मालिक का नाम जो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। तो शादी वाले बच्चे आ गए हैं, तो साथ बजेंगे बच्चों, नारा लगा के दिल जुर्माना डालनी है। हाँ जी बजाइए। और इनमें शास्त्री कितने भी नौजवान है, उसी कपड़ों को तोहफा समझ के पहना, आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों की मदद करना नहीं बोलते थे, ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े मालिक से प्यार, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते, इन सब परिवारों को आशीर्वाद देते। तो अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाए बेटा। खाने पीने के अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। तीन बचनों में पहली बार गलती हुई, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं। सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमरण करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे। जट्टू इंजीनियर मूवी की अपार सफलता की खुशी में बहन ममता से 35,600, मनपिंदर से यूएसए 30,000, इनके अलावा 10 बहन भाई दीन दुखियों मदद में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो सबके घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार प्रसाद ले जाना, बचनों में पके रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है जी, बहुत आशीर्वाद। पूज्य पिताजी आप जी की रहमत से शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा का 10वीं का रिजल्ट आया जी। टोटल स्टूडेंट है 156, रिजल्ट 100% है। और सबसे बड़ी जो हैरानी की बात कहें तो सारे के सारे बच्चों की मेरिट आई है जी। 100% मेरिट आना, रिजल्ट आना ही बड़ी बात होती है, लेकिन 100% मेरिट आ जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। टॉप 10 में 83 बच्चे आए हैं, इनमें से 12 प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप 10 में हैं, प्लेयर भी टॉप 10 में हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे कम नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो है 83.6%, ये सबसे कम है, कई स्कूलों में सबसे ज्यादा होते हैं ये। तो मास्टर जी आपके गाइडेंस में हरियाणा में 10वीं और 12वीं में शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल पहले नंबर पर आया है। ऐसा सोचा करते थे कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो, और वो बच्चों ने कर दिखाया है, और प्रिंसिपल स्टाफ सबने बहुत मेहनत की, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये 1,00,000 रुपया दिन दुखी मदद के लिए इस खुशी में बैंक में जमा करवा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात। रिजल्ट आता लोग पतासे खाते थे पुराने टाइम में, गुड़ खाते, लड्डू खाते, आजकल के पिज्जा पूजा खा जाते होंगे, और ये बच्चे दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। शाबाश पूरा स्टाफ, पूरे प्रिंसिपल, इनके टीचर, बच्चे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे पढ़ाई में गेमों में आप लोग तरक्की करो, आपके घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद जी जी, आशीर्वाद। तो ये कितनी बड़ी बात है कि प्लेयर भी 10 ऐसे हैं जो टॉपर 10 में आए, कमाल है। ये लोग कहते जी हमसे तो पढ़ाई होगी या गेम होगा, ये सब जुटला दिया इन बच्चियों ने, बहुत ही अच्छी बात, वेरी गुड। आशियाना मुहिम के तहत ब्लॉकों द्वारा पूरे घर बना के दिए गए हैं जी। रितु इंसान
ब्लॉक जिला सिरसा के इस मकान का प्रबंध शासन जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा ने किया और तन की सेवा ब्लॉक ने की है जी। बहन गिरदावरी देवी को रानिया चामल जिला सिरसा ने इस मकान का प्रबंध संत मैजिक ग्रेजुएट स्कूल बॉयज विंग ने और तन की सेवा ब्लॉक ने की है जी। इनको घर दिए जा रहे हैं जी पूरे पूरे। वचनों पे पक्के रहना बेटा, सुमरण करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। विदेशों से कुछ लोग आए हैं, दोहा कतर से जाने वाले सऊदी और फिलीपींस, प्रसाद लेने जो आए हैं बहुत स्वागत, और जाने वाले प्रसाद ले जाना। बचनों पक्के रहना, सुबह कर देना, मालिक साथ है बेटा, नारा लगा के बैठ जाए। दूर दराज पश्चिम बंगाल से फौजी गगनदीप इंसा, जम्मू कश्मीर फौजी परमिंदर, फौजी रामपाल इंसा, देहरादून फौजी कुमेर सिंह जी, बहुत स्वागत बेटा आप सबका, बहुत आशीर्वाद और मालिक खुशियां दे। आप तो बहुत ही सेवा करते हैं समाज के, सो मालिक माला माल करे, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद ले लद्दाख से भी आए हैं परमिंदर इंसा, आशीर्वाद उनको भी, बहुत आशीर्वाद वो फौजी सभा ने जी। जट्टू इंजीनियर में भी आज सफलतापूर्वक 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं जी। 15 दिन में मूवी 235 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आईएमडीबी पर जो कि सभी मूवी की रैंकिंग करते हैं, अभी तक जट्टू इंजीनियर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं। फिल्म के डायलॉग फैंस को इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि हर कोई डायलॉग थुक ला के बोलता नजर आ रहा है। फैंस गुलाबों का नंबर मांगते फिरते, हेडमास्टर की शिक्षा पे चलती हुई बहुत सी ग्राम पंचायतों ने अपने गांव में सफाई अभियान में काम की प्रगति के लिए कार्य शुरू कर दी है। जट्टू इंजीनियर के हजारों शो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई के अलावा विदेशों में इटली, लेबनान, न्यूजीलैंड, यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, यूके, कनाडा में भी रिलीज हो चुकी है और वहां धूम मचा रही है। लोगों को आप जी का नया अंदाजा बहुत पसंद आ रहा है। अर्जुन को दुबई, यूएई, अबू धाबी, शारजा, दोहा कतर में भी जट्टू इंजीनियर मूवी रिलीज होने जा रही है। नटखट शरारती सिंगर सिंह सिद्धू ने सिनेमाघरों में तो धूम मचाई रखी है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया फेसबुक पर जैसे ही एफडीडी की जोड़ी लाइव होती है चंद ही मिनटों में लाखों फैंस का जमावड़ा लग जाता है। स्कैंड सिंह के फैंस के लिए बहुत ही नायाब तोहफा है। स्कैंड सिंह हंसाते हंसाते ऐसे टिप्स दे जाते हैं जो हर किसी की परेशानी दूर कर जाते हैं, तो अभी तो सभी को स्कैंड सिंह के नए सरप्राइज का इंतजार है। अगले शनिवार रविवार को, क्योंकि इस बार टेक्निकली बच्चे वो नहीं कर पाए, तो आप शनिवार रविवार को दो दो घंटे का प्रोग्राम और फेसबुक पे अलग अलग तरह का देख पाएंगे। हमें लगता है इस बार वो कर लेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो कर पाएंगे, लेकिन भाग के वही तीन बात नहीं कर पाए एडिटर खास करके, क्योंकि उनको जो सिखाया था वो जिस फील्ड में सिखाते हैं अगले पल ही भूल जाते हैं, पता नहीं रोड ज्यादा खाते क्या चक्कर है। जो सिखाया होता है, हम बचपन से जितने गेम खेले हैं, ईश्वर की कृपा से 5 दिन अगर उस गेम को खेलें तो सिर्फ वैसा ही खेल सकते हैं जैसा बचपन में खेला करते थे, क्योंकि भूलता ही नहीं आदमी जो कर्म किया हो। लेकिन ये इनको अभी फिल्म गई है, सिर्फ शायद 17 दिन ही हुए हैं उसकी एडिटिंग करके हटे, लेकिन अब सब भूले हुए बैठे, कुछ भी करना नहीं आ रहा, कोई पता ही नहीं इनको, तो क्या फिर भी कोशिश है। हमने 2 दिन उस पर टाइम लगाया है, शायद ये ठीक कर पाए। परिवार में जिनके किसी के चोला छोड़ा, 5 परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाएं, अस्थियां लेके आए हैं, एडम वाले ले लो, उन पे पेड़ लगाया जाता है, उस परिवार का भला, आत्मा का भला। दिन दुखे बैंक में पैसा जमा करवा चुके, परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। दुख जरूर लगता है जो चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता मरहम जोर देगा बेटा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, भगवान आपको शक्ति दे। आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, गुरु मंत्र नहीं लिया तो आज गुरु मंत्र ले लो, ले रखा है कोई छोटा मोटा ऐसा कर रहे हो तो साधने के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साधन साध रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, तो हजारों लाखों का छोटा तो मालिक ने जब आपका छूट जाएगा, लेकिन जब नशा छोड़ के जाओ यार, दो जो नशेड़ी उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। सत्संग में प्रसाद पान, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आशीर्वाद लेने तो बैठे बैठे सुनान ऊपर कर लो, सारी सात संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद। तो जो भी सात संगत आश्रम में पधारी है, रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा, और आप जानते हैं रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बनाता है काम, सच्ची भावना से कोई उसे मिला दे भगवान, ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद का तरीका है सही मस्ताना जी का नारा।
तो सबने जोर से बोलना, हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो रूहानी जाप पीने आए हैं यहाँ पे वो भी ले लेना, और जो अंदर बैठे हैं राम नाम का तरीका जानने आए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आप आराम से बैठे लंगर भोजन लीजिए, फिर जहां जाना चाहते हैं अपने समय के अनुसार अपने घर परिवार आराम से जाइए, और मालिक से ये प्रार्थना जब तक घर नहीं पहुंचते सत्संग से बढ़ के खुशियां मिलती रहेंगी। तो अब थोड़ा समय सज रहिएगा, बैठे रहिएगा।